साल की नजर बनी हुई है। उधर देखिए, जहां एनडीए की बैठक है तो वहीं दिल्ली में आज शाम इंडिया गठबंधन की भी बैठक होने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर शाम 6 बजे बैठक होगी। इंडिया गठबंधन ने अपने घटक दलों को बुलाया है, परिणामों की समीक्षा की जाएगी, आगे की रणनीति पर मंथन होगा। और साफ तौर पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि नए सहयोगी से बातचीत करेंगे, आखिरकार वो नए सहयोगी कौन होने वाले हैं, इस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। क्योंकि सूत्र हमारे बता रहे हैं कि टीडीपी और चंद्रबाबू नायडू के साथ यहाँ नीतीश कुमार से भी बातचीत या सहयोग एक सूत्र के मुताबिक की संपर्क में लगातार कांग्रेस बनी हुई है। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे करीब करीब साफ हो चुके हैं। नतीजों से कहीं खुशी है तो कहीं गम भी है। जाहिर है हारने वाले प्रत्याशी दुखी होंगे, जबकि जीत का जश्न मन रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव की 10 बड़ी बातें आप जान लीजिए। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, अब जबकि नतीजे आ गए हैं तो उलटफेर की 10 बड़ी बातें जान लेते हैं। पहला कारण, कैंडिडेट्स के खिलाफ हवा। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा उनके खिलाफ हवा को पार्टी नहीं समझ पाई। वोटर मोदी के साथ तो दिखे, लेकिन स्थानीय उम्मीदवारों के खिलाफ गुस्सा बीजेपी को भारी पड़ा। दूसरा कारण, पीडीए फॉर्मूला। यूपी में अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला चल गया। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटर्स विपक्षी गठबंधन के साथ दिखाई दिए, जिसके चलते यूपी में एसपी अपनी सीटों में बड़ा इजाफा करने में कामयाब रही। तीसरा कारण, किसान आंदोलन और अग्निवीर योजना। विपक्ष ने चुनाव प्रचार के दौरान किसान आंदोलन और अग्निवीर योजना को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इन दोनों मुद्दों पर मतदाता विपक्ष के साथ दिखाई दिए। चौथा कारण, दल बदल। महाराष्ट्र में शिवसेना और शरद पवार की पार्टी में टूट हुई, लेकिन दोनों ने इसे लेकर बीजेपी पर तोड़फोड़ करने के आरोप लगाए और वोटर्स उनके साथ हो गए। पांचवा कारण, संविधान और आरक्षण का मुद्दा। प्रचार के दौरान विपक्ष ने संविधान और आरक्षण को लेकर बार बार बीजेपी पर आरोप लगाया। इन दोनों मुद्दों पर विपक्षी गठबंधन को वोट मिले। छठा कारण, महंगाई और बेरोजगारी। बेरोजगारी का मुद्दा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान छाया रहा। हर सभा में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विपक्ष सरकार को घेरते हुए दिखाई दिया। इन दोनों मुद्दों पर बड़ी संख्या में वोट विपक्षी गठबंधन को मिले। सातवां कारण, महिला वोट। महिला वोट। कांग्रेस ने वादा किया था कि सरकार बनने पर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली हर महिला को सालाना 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसका खासा असर देखने को मिला। आठवां कारण, गठबंधन मनाने का। चुनाव में विपक्ष ने इंडिया गठबंधन मनाया। अलग अलग राज्यों में विपक्ष ने एक दूसरे का वोट ट्रांसफर किया। नौवां कारण, एंटी इनकम्बेंसी। लगातार सत्ता में बने रहने की वजह से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी ने इससे बचने के लिए कई जगहों पर प्रत्याशी बदले, लेकिन कुल मिलाकर नुकसान ही हुआ। दसवां कारण, साइलेंट वोटर्स। ऐसे वोटर्स जो किसी दल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं और प्रत्याशी और पार्टी की नीति के आधार पर वोट करते हैं, इन वोटर्स को पहचानने में बीजेपी से चूक हुई और इसका नुकसान उठाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम मीटिंग बुलाई गई है। मौजूदा